नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। अभी हम पलमा एरिया में खड़े हैं। पलमा एरिया में सुखदेव सिंह, जो पिछले चार दिन से मिसिंग था, आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। और यहां पर पलमा कोटरंका रोड जो है ये ब्लॉक किया हुआ है। यहां SHO साहब पहुंच चुके हैं, ACR साहब यहाँ पहुंच चुके हैं, एडिशनल SP यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन ये रोड अभी तक यहाँ ब्लॉक किया हुआ है। ड्यू टू ये जो इनकी फैमिली है वो ये क्लेम करती है कि इनका जो मर्डर हुआ है, और जब तक इनके कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये रोड नहीं खुलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये पलमा का एरिया है, राजौरी में ये दूसरा ऐसा केस है। आज से 20 दिन पहले एक इसी तरह का वाकया जो है वो सरानू में हुआ था, और दूसरा वाकया आज पलमा में हो चुका है, जिनकी एज तकरीबन 65 ईयर है। वो सुबह खेतों में यहाँ कहीं उनकी डेड बॉडी यहाँ रिकवर हुई है। और ये आप देख सकते हैं किस तरह पलमा राजौरी जो रोड है, लोगों ने यहाँ ब्लॉक करके रखी हुई है। इनका ये साफ साफ कहना है जब तक ये कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये रोड नहीं ओपन की जाएगी। मैं अपने कैमरा मैन को लोग दिखाएंगे किस तरह यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग रोडों में खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं डेड बॉडी रोड में इन्होंने रखी है, और पूरी रोड जो है अभी तक ये ब्लॉक है। और जब तक इनका ये कहना है हमें ये कातिल पकड़े नहीं जाएंगे तब तक ये रोड हम ओपन नहीं होने देंगे। और राजौरी में ये दूसरा ऐसा हादसा है जो डेड बॉडी तकरीबन आज चार दिन के बाद मिली है। पहली जो डेड बॉडी थी वो 12 दिन के बाद मिली थी, आज जो ये डेड बॉडी है ये चार दिन के बाद यहाँ मिल रही है। देख सकते हैं किस तरह के यहाँ राजौरी के अंदर भी अब हादसे ये होने शुरू हो चुके हैं। सर, SHO साहब अभी मौके पर यहाँ ये शो खड़े हैं। जी आप बताएं, SHO साहब आप स्पॉट मौके पे आए और हमारी कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपका नाम मैं जानना चाहूँगा। कुमार जी, जिनकी डेथ हुई आपकी क्या लगती थी? हमारे रिलेटिव है। आपके रिलेटिव, आपको कैसे पता चला कब से ये घर से मिसिंग थी? सर मुझे रात को फोन आया, मैं नहीं पाता, तो उन्होंने बोला कि इनका कोई झगड़ा हुआ था, तो मोबाइल छीना, पता नहीं क्या किसके साथ। और का नाम आप जानते हैं? मैंने बताया नहीं, घर वाले ने आदमी उनके पास करूँ घर के पास, लेकिन सर ज़्यादा एडमिशन जहाँ मौके पर नहीं आएगी, हमारी डेड बॉडी यहाँ नहीं खानी, ये हमारे साथ बेसाखी हुई है, और ये हमारी कोई कानून कार्रवाई नहीं कर पाई।